तो अगर आपके भी जो है मोबाइल में सुपर वीपीएन कनेक्ट नहीं हो रहा है, जैसे आप लोग कनेक्ट करने जाते हो तो यहाँ पर कनेक्टिंग दिखा रहा है, कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कनेक्टिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत देर तक ही कनेक्टिंग दिखा रहा है, कनेक्ट नहीं हो रहा आपका सुपर वीपीएन। तो आप लोग कैसे इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आपका भी सुपर वीपीएन में कनेक्टिंग की प्रॉब्लम आ रही है, मेरा तो कनेक्ट हो गया लेकिन आपका कनेक्ट नहीं हो रहा, कनेक्टिंग दिखा रहा है यहाँ पर, तो आप लोग कैसे इस प्रॉब्लम को ठीक करोगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को आप लोग पूरा देखना तभी आपके जो है प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो चलिए वीडियो को जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको सबसे पहला काम क्या करना है दोस्तों, प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है सुपर वीपीएन लिख के सर्च करना है। तो यहाँ पर सुपर वीपीएन आ जाएगा, देन आपको इसको जो है अगर ये अपडेट मांगे तो आपको सबसे पहले इसको अपडेट कर लेना है। तो सबसे पहले काम क्या करना है आपको, इसको अपडेट कर लेना है सुपर वीपीएन को, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे बग्स वगैरह अपडेट आते रहते हैं। तो अगर आपका अपडेट नहीं है तो आपको सबसे पहले सुपर वीपीएन को अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद आप लोग ओपन करके ट्राई करो तो आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आपको पहले से अपडेट है उसके बाद भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। अब आपको क्या करना है, वापस से बैक आना है। पहला काम तो आपको अपडेट कर लेना है। दूसरा क्या करना है आपको, सुपर वीपीएन ऐप है इस पर अपने फिंगर को दबा के रखना है। जैसे आप लोग दबा के रखोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है ऐप इन्फो का, आप लोग देख सकते हो ऐप इन्फो। तो आपको क्या करना है, सिंपली से ऐप इन्फो पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले परमिशन में जाना है और परमिशन में आपको जो है सारी यहाँ पर जितनी परमिशन मांगी सारी आपको अलाउ कर देना, अगर आपके अलाउ नहीं है तो। तो पहला काम ये करना है। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है फोर्थ स्टॉप का, नीचे आप ऊपर दिखा देगा फोर्थ स्टॉप का। तो आपको क्या करना है, फोर्थ स्टॉप का लेना है। उसके बाद क्लियर डाटा का ऑप्शन पर क्लिक करके क्लियर कैच कर देना और क्लियर डाटा आपको यहाँ पर करके क्लियर डाटा का लेना है। ठीक है, इतना करने के बाद आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी 100%। अगर इतना करने के बाद भी नहीं हो रही तो आपको क्या करना है, सुपर वीपीएन पर क्लिक करना है और उसको जो यहाँ पर अनइंस्टॉल पर क्लिक करके अनइंस्टॉल यहाँ पर कर देना है। अनइंस्टॉल करके फिर आप वापस से प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो इतना कर लोगे तो आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। अब आपका वीपीएन अच्छी तरीके से काम करने लग जाएगा, अब आपकी कनेक्टिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप लोग इतना करके ट्राई करना, आपकी प्रॉब्लम जो है डेफिनेटली 100% सॉल्व हो गई होगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो